वो बीत गई सो बात गई। अभी लालू यादव ने पप्पू यादव को धोखा दिया ऐसा आप मानते हैं? अब लालू जी को पता ना किस बात का डर है पप्पू यादव से, क्योंकि एक सीट पूर्णिया वो माही रहे। पप्पू यादव जी का जुड़ाव वहाँ से परिवार का जुड़ाव, मतलब निर्दलीय लड़ेंगे ये बात बोलिए। अखिलेश सिंह नाराज थे क्या पप्पू यादव को टिकट मिलने? नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मेरा नाम पुरुषोत्तम है। हमारे साथ जुड़ गए हैं पप्पू यादव के सिपाही, पप्पू यादव के बहुत ही करीब रहने वाले आकाश सिंह, इनका नाम है, किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है। अब बिहार में जो सियासत की गर्मी बढ़ गई हुई है अभी आने वाली इस गर्मी में, उसमें पप्पू यादव का क्या होने वाला है, पप्पू यादव अब क्या करेंगे, पप्पू यादव कहां जाएंगे, इसको लेकर के बहुत उठापटक है। पूरी बात ही पूरी जानकारी पप्पू यादव के बारे में आज इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है आकाश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अब क्या होगा, क्या कीजिएगा? पार्टी का विलय कर दिए हैं, कांग्रेस में चले गए हैं, और कांग्रेस में जाने के बाद पूर्णिया प्रणाम पूर्णिया का कार्यक्रम, और उसके बाद पूर्णिया से दावा ठोक रहे थे, लेकिन कांग्रेस के हाथ से भी वो सीट निकल गई और बीना भारती को वो सीट मिल गई। अब आप क्या करेंगे? ये अभी गठबंधन का पुष्टि अभी ऑफिशियल तौर पे नहीं हुआ है। सिंबल किसी को मिल गया लेकर चली गई, तो अगर गठबंधन धर्म में जब बातें आती है, जब सारी अंडरस्टैंडिंग बनती है लोगों की, तो सिंबल जब चला भी जाता है तो रिटर्न भी होता है। तो अभी जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस गठबंधन का सीट शेयरिंग का नहीं हो जाता है, तब तक उस सिंबल पे या उस उनके बारे में कुछ बोलना या कहीं कुछ बोलना हमें नहीं लगता है उचित है। तो आपको लग रहा है कि सिंबल फिर वापस हो जाएगा और पप्पू यादव को ही पूर्णिया मिलेगा? देखिए, पप्पू यादव पूर्णिया के बेटा है और पप्पू यादव 3 बार निर्दलीय वहां से एमपी बने हैं। पूर्णिया का आप जब देखिएगा तो पप्पू यादव जी वहां से निर्दलीय एमपी बने। पप्पू यादव जी कभी पूर्णिया से चुनाव नहीं हारे। कुछ राजनीतिक परिस्थितियां हुई कि पप्पू यादव जी को पूर्णिया से अलग जाकर के लड़ना पड़ा, देना पड़ा, वो राजनीतिक परिस्थितियां बनती है उस हिसाब से होता है। फिर वो अपने घर में आए हैं और अपने घर के लोगों से उनको भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, और लोग वहाँ पप्पू छाप है, कोई दिल्ली और पटना के बैठे हुए नेता का और उसका सिंबल और उसका छाप नहीं है, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो खेल करके और देश और दुनिया को जिस तरीके कौन से खेल कर दिया, अब आदरणीय लालू यादव जी जिनको आदरणीय पप्पू यादव जी पिता तुल मानते हैं, अभी भी बोल रहे हैं, निश्चित वो है ही एकदम। जब जब लालू यादव अपनी राजनीतिक संकट में रहे हैं, जब उनको विपक्ष का नेता बनाना था, तो उस समय लालू यादव जी के सामने अनूप यादव जी थे, पप्पू यादव जी के संबंधी थे, उनका उन्होंने विरोध किया और लालू यादव जी के पक्ष में 1 MLA की कमी थी और 1 MLA को ला करके 1 वोट से लालू यादव जी विपक्ष के नेता। लालू यादव धोखा दिए। दूसरी चीज सुन लीजिए, जब उनको पहली बार मुख्यमंत्री बनना था तो पप्पू यादव जी 11 निर्दलीय MLA के साथ उनका वो बीत गई सो बात गई। अभी लालू यादव ने पप्पू यादव को धोखा दिया ऐसा आप मानते हैं? इसको अब क्या कहिएगा, ये पीठ में खंजर भोंकने वाली बात ही ना। जब उनसे मिलकर आशीर्वाद लिए, उनको कह दिए, उन्होंने ठीक है कहा, क्या कहा था लालू यादव ने, क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आप मधेपुरा जाइए, तो इन्होंने कहा कि सर नहीं, आप मधेपुरा से किसी को भेजिए, आप कोई भी कैंडिडेट जाए, हम उसको जिताने के लिए हमारी जितनी भी भूमिका बनेगी हम पूरी लगा देंगे, पूरी ताकत झोंक देंगे, हम उसको जिताएंगे, लेकिन हम पूर्णिया लड़ेंगे, पूर्णिया मेरी माँ है, पूर्णिया मेरी जन्मभूमि है, इसलिए पूर्णिया के लोगों से हमारा परिवार का संबंध रहा है, पूर्णिया में हम कितने दिनों से मेहनत किए हैं, काम किए हैं, तो इसलिए हम पूर्णिया से ही लड़ेंगे। लालू यादव पूरा आशीर्वाद नहीं दिए क्या उनको उस दिन? अब ये तो लालू यादव जी ही बताएंगे कि अब सामने से आप कहते हैं कि ठीक है और पीठ पे छुरा भोंकने का जो काम कर रहे हैं, ये तो अब लालू यादव जी बताएंगे। दूसरा चीज, जब अब आप विलय की जो बात की है उसकी बताते हैं। जब हम लोग विलय नहीं किए थे, अलग लड़ते थे, ये लोग गठबंधन में भी नहीं रखते थे, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था गठबंधन के लिए। जब विलय में नहीं जाते थे, नहीं किए थे और अलग चुनाव लड़ते थे, तो इन्होंने इनके कुछ लोग कहते थे, ये लोग कहते थे कि ये बीजेपी का बी टीम है। अब तो देश पूछ रहा है, अभी जिस तरीके से पूर्णिया जैसे ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पर एकदम, भाई जन नेता और जन सेवक जो है यह जनता का प्यार है। पप्पू यादव जी ने जो मेहनत किया है, जो बिहार के किसी भी कोने में, आप जिस चंपारण की बात कर रहे हैं, चंपारण में जब अपराधियों का मनोबल बढ़ा था, कोई नेता नहीं बोलने वाला था, तो जब जाहिर है बिहार में पप्पू यादव जनाधार निश्चित रूप से, तो वो ट्रेंड भी करेंगे, जनता का प्रेम है उनके प्रति। अब बताइए, उनके सुरक्षा को छीन लिया गया, अब
नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार बताएंगे कि जो बीजेपी के साथ रहेगा उसका सुरक्षा बैठेगा, जो घर में एसी में बैठता है नेता उसका सुरक्षा मिलेगा, लेकिन पप्पू यादव जी का सुरक्षा छीन लिया जाएगा। ये सेंटिमेंट बना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जो सत्ता के साथ रहेगा तो सत्ता किसी की बपौती थोड़े है, बदलते रहती है सत्ता, बदलेगी तो अगर आप अगर आज कर रहे हैं बोइएगा बबूल तो खाइएगा खजूर, थोड़े बबूले खाना होगा। तो जब पप्पू यादव से लालू यादव की बात हो गई उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि बीमा भारती को टिकट देना पड़ा? अब वो लालू जी बताएंगे कि क्या हुआ, लेकिन जहां तक हमें लगता है कि अब लालू जी को पता ना किस बात का डर है पप्पू यादव से, क्योंकि एक सीट पूर्णिया वो मांग ही रहे थे और पूरी जग जाहिर है कि वो विनिंग सीट था। दिन के 10 बजे चुनाव पप्पू यादव जी वहां से जीत करके और महागठबंधन के पाले में अब नहीं जीतेंगे क्या? कैसे नहीं जीतेंगे, पप्पू जी तो आज भी जीतेंगे। अच्छा, एक चीज कंफर्म हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी अगर कांग्रेस की जो सीटें फाइनल होनी है, सूत्र से जानकारी आ रही है कि 9 सीटें मिलने वाली है और उसमें पूर्णिया का नाम नहीं है, तो इस स्थिति में पप्पू यादव क्या करेंगे? पप्पू यादव न कांग्रेस के रहे, न जन अधिकार पार्टी के रहे, न महागठबंधन के रहे, पप्पू यादव फिर क्या करेंगे? आपको हम एक बार और बता रहे हैं, पहले भी कहे कि पप्पू यादव जी का जुड़ाव वहां से परिवार का जुड़ाव, मतलब निर्दलीय लड़ेंगे, ये बात बोलिए, एक-एक लोगों से उनका जुड़ाव रहा है, पप्पू यादव जी का खून का रिश्ता रहा है पूर्णिया के लोगों के साथ, और अभी निर्णय आने दीजिए, तो निर्णय आएगा उसके बाद देखा जाएगा, सहमति बनेगी, साथियों के साथ चर्चा करेंगे, पूर्णिया की जनता के साथ चर्चा करेंगे, कोई नेता, कोई नेता और कोई दल मायने नहीं, जिताती और हराती नहीं है। अच्छा। जनता तो जनता ही ना जिताती है, ठीक है, लेकिन अब तो आप कांग्रेसी हो गए ना? निश्चित रूप से कांग्रेसी है और हम लोग अभी भी नेतृत्व पे भरोसा है। वो तो तय नेतृत्व को करना है कि पूर्णिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आदरणीय नेता जी भी बोले हैं कि तय नेतृत्व को करना है कि पप्पू जी को पूर्णिया लड़ना है कि नहीं लड़ना है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन पूर्णिया छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये बात बोले हैं एकदम निश्चित। तो ये भी हो सकता है कि पप्पू यादव चुनाव न लड़े और कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करें, ये वक्त की बात है, या पहले आप तो क्लियर हो जाने दीजिए सारी चीजें स्पष्ट, उसके बाद मान लीजिए कि क्लियर हो जाता है और पप्पू यादव को पूर्णिया नहीं मिलता है, तब उस परिस्थिति में क्या कीजिएगा आप लोग? पप्पू यादव जी निर्दलीय एमपी रहे हैं और उनको दल की जरूरत नहीं रही है, निर्दलीय एमएलए भी रहे हैं संसदीय राजनीति में, और कभी भी चुनाव जीते हैं तो अपने प्रभाव से, अपनी जो काम किया है उसके बल पे जीता है, किसी नेता और किसी पार्टी की जरूरत नहीं रही है। और जो लोग आज पीठ में खंजर भोंक रहे हैं, वक्त आएगा, बिहार की जनता और देश की जनता देख रही है, देश की जनता जानना चाह रही है कि पूर्णिया पप्पू यादव को क्यों नहीं मिल रहा है, और जो लोग बीजेपी, हम लोग को बीजेपी का बी टीम कह रहे थे, अब वो लोग मुंह में सत्तू रख के क्यों बैठे हुए हैं, वो लोग क्यों नहीं पूछ रहे लालू यादव से कि पूर्णिया जीता हुआ सिर्फ महागठबंधन का, क्यों नहीं दे रहे पप्पू यादव को? जब पप्पू यादव में ये बातें लोग नहीं पूछेंगे, ये बातें तो अब आपकी पार्टी जो कांग्रेस है उसके आला कमान में जो बैठे हुए लोग है वो पूछेंगे ना। तय करने दीजिए, तय हो जाने दीजिए, उसके बाद जो निर्णय होगा आप लोग। अच्छा, एक चीज और, आप लोगों का पोस्ट बड़ा वायरल हो रहा है कि जो बीमा भारती जी हैं उनको पहले ही टिकट मिल गया था, बाद में जो है वायरल हुआ है फोटो, जहाँ तक हमें जानकारी है, और उस फोटो को जब आप देखिएगा उनके ज्वाइनिंग का और सिंबल के दिन का, तो सेम ड्रेस सेम आबू उनका अथी है सारी चीजें, तो वो उसी दिन उनको मिल गया था, हमको भी किसी सोर्स के माध्यम से जानकारी मिला कि सिंबल उनको उसी दिन मिल गया। अच्छा। लेकिन उन्होंने उनको दिखाने के लिए सिंबल को सार्वजनिक करने के लिए शायद रोका हुआ था। अच्छा। पता ना कल कौन सी ऐसी बात बनी कि एक बीमा भारती जी चली गई, इसका हमें जानकारी नहीं है। पूर्णिया की जनता से आदरणीय पप्पू यादव जी का स्नेह है, पूर्णिया की जनता का आशीर्वाद है, और पूर्णिया की जनता को छोड़कर पप्पू यादव जी कहीं नहीं जाएंगे, और पूर्णिया उनकी माँ है, उनकी जन्म धरती है, और समय आएगा तो मतलब चुनाव लड़ेंगे ना? चुनाव नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे, चुनाव तो लड़ने करेंगे ना, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, पूर्णिया कैसे कांग्रेस छोड़ देंगे? नहीं, वही ना, अभी तो डिसीजन आ जाने दीजिए ना, डिसीजन आ जाने दीजिए, आप भी या हम कैसे तय कर सकते हैं कि पूर्णिया, जब तक ऑफिशियल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक कैसे मान लीजिए कि पूर्णिया कांग्रेस के खाते में गई कि नहीं गई? ऑफिशियल डिसीजन हमको लगता है कि 2-4 घंटे बाद जो है, उसके बाद हम लोग तय करेंगे बैठकर। अच्छा, उसके बाद की जो भी स्थिति बनेगी, जो परिस्थिति बनेगी, तो आप सब लोग भी कांग्रेसी हो गए कि सिर्फ अभी पप्पू यादव के साथ है, तो आप कहां जाइएगा, कांग्रेस के साथ, महागठबंधन के साथ, कि पप्पू यादव के साथ? इस चीज में हम बहुत स्पष्ट है। हाँ। हम पप्पू यादव जी छाप है। हाँ। हम लोग पप्पू छाप है। हाँ। पप्पू जी के सिपाही हैं। हाँ। वो जहाँ जाएंगे, हाँ, उनका जो आदेश होगा, हाँ, जो निर्णय होगा, हाँ, हम लोग उसको मजबूती से करेंगे।
आज भी पप्पू यादव जी के साथ थे, कल भी पप्पू यादव जी के साथ थे, भविष्य में भी रहेंगे और पूरी मजबूती से उनको ताकत देंगे। लेकिन आहत हुए हैं, निश्चित तौर पर हट करने वाली बात थी कि जो व्यक्ति अखिलेश सिंह नाराज थे क्या पप्पू यादव को टिकट मिलने, पूर्णिया की तैयारी और पप्पू यादव कांग्रेस में है तो ये न्यूज आ रहा था कि अखिलेश सिंह नाराज है बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष। अब वो तो अखिलेश जी ही बताएंगे और हम उनके बारे में क्या बोले, बड़े नेता हैं, लेकिन षड्यंत्र और षड्यंत्रकारियों को जवाब मिलेगा वक्त आने दीजिए, इतना तो मैं कह रहा हूँ। और एक पप्पू यादव का सिपाही होने के नाते मेरा फर्ज है कि षड्यंत्र रचने वाले षड्यंत्रकारियों को जवाब, खुलासा कीजिएगा, जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। तो जो भी स्थिति परिस्थिति सामने आती है कांग्रेस और महागठबंधन, जो महागठबंधन है उस सीट बंटवारे के बाद, उसके बाद जो कुछ भी होगा फिर से आप आइएगा हमारे न्यूज चैनल पे, स्पष्ट कीजिएगा क्या करना है। निश्चित तौर पे करेंगे स्पष्ट, तो आप सब लोग को बताया ही जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, सारी चीजें होगी, एकदम घोषणा होगी। चलिए आकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, हमारे हमको टाइम दिया और आपने जिस तरह से पप्पू यादव को लेकर के बेबाकी से सारी बातें रखी है, आगे क्या होता है उसका सारा अपडेट हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट और कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।